मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस। सो ये हम यहाँ पे मैं और संदीप लद्दाख का ट्रेडिशनल ऑमलेट नहीं ट्रेडिशनल ये जो है ये घर से बना हुआ हम जहाँ पे होटल में स्टे किया और चेक किया चाय। ओह थैंक यू सो मच। चाय पे नहीं, चाय तो बहुत जरूरी था तो यहाँ पे आ गया चाय। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? दवा। दवा नाम है आपका? इसका मतलब क्या? मतलब मून। क्या बात है, ये वो सही है। तो और ये यहाँ का ट्रेडिशनल पाव लेके आए हैं जो हम नाश्ता करेंगे और फिर बाहर जाएंगे परमिट लेने के लिए और लद्दाख वापस से सेकंड डे घूमेंगे। नाश्ता करने के बाद भाई नाश्ता ऐसा है कि पूरा पेट भर गया और ये दूसरा दिन हमारा इस गेस्ट हाउस में जो बहुत ही प्यारा है। मतलब यहाँ पे फ्री वाईफाई आ रही है, वाईफाई बहुत फास्ट है और ये जो लद्दाख थोड़ा सा मिल जाएगा 1.5 किलोमीटर बाहर है और यहाँ पे आपको एक्चुअल लद्दाख फील होएगा। बहुत कम लोग, सुकून, शांति और नीचे खेती पे जो अपना लुक है थोड़ा सा एकदम पता नहीं नॉटी बॉय हो गया है कि नया नया लड़का हो गया है। घर वालों को दिखाया तो उनको पसंद ही नहीं आया, हमको खुद को अजीब लग रहा है अभी थोड़ा सा। भाई जल्दी आ जा संदीप, पीछे ये घर कितना प्यारा लगता है यार। तो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं पैंगोंग के, पैंगोंग खाटुंगला और पैंगोंग का परमिट लेने के लिए। वो आप बाहर से लोगे तो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं 100 रुपया और ऑफिस से लोगे तो आपके पैसे वो बच जाएंगे। सो डॉक्यूमेंट्स बाइक का, आपका लाइसेंस और आपका आईडी प्रूफ लेके चलना है। ये हमारा लोकेशन है जहाँ पे है हम। ओए भाई मुझे तो ख़तरनाक ठंडी लग रहा है यार, मैंने गलती कर दिया ये पहन के। ये जो आप बोथ साइड देख रहे हो यहाँ पे नो एंट्री है। चलो नो एंट्री है। मैं फिर रॉन्ग साइड आ गया। अगर वहाँ पे वन वे लिखा है यहाँ पे नहीं जाना है। मैं अंदर पता नहीं कहाँ जा रहा था। आगे देखिए आर्मी खड़ा है बंदूक लेके, उसको लगा कौन आ रहे हैं लोग, सीधा गोली मारो धार धार धार। सो ये जिस हम एरिया में है ना यहाँ पे सिर्फ बाइक रेंटल मिलता है। यहाँ पे आपको जो चाहिए बुलेट और हिमालयन और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। ये सुबह सुबह 10 बजे का नज़ारा है। मार्केट देखो कितना खाली लग रहा है। आई लव लद्दाख ये देख लिखा है। हाँ अच्छा, पहले परमिट लेते हैं देन उसके बाद सब। मैंने कल का नहीं, परमिट आज लेना ही पड़ेगा। पहले वो भी रोड था लेकिन यहाँ पे अब फुल वन वे कर दिया है। रात को हम यहाँ पे निकले थे, यहाँ से चल के गए थे। अरे गाड़ी पार्क कहाँ करेगा यहाँ पे, नो पार्किंग है सब, देख रहा है। सो गाड़ी का नंबर देखो MH05 और यहाँ पे इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा। MH05 तो यहाँ पे मिले हमारे जीवन मात्रे, विपुल मिश्रा, मनीष मात्रे, नितेश मात्रे। तो यहाँ पे हमारे हमारे महाराष्ट्र के बहुत सारे भाई लोग मिले कल्याण वाले। मेरा देखो आवाज कैसा तुतला हो रहा है, होठ ना फटने लगे, निकल रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने परमिट ले लिया, ऑनलाइन परमिट लिया है खाटुंगला का और पैंगोंग का, और हमने भी यहाँ पे ले लिया है। वाओ बहुत प्यारा लग रहा है यार ये देश का फ्लैग। पर कल पता है कल मैंने LOC मूवी देखा 4 घंटे का बैठ के। इतना मजा आया ना यार यहाँ पे, मतलब एक्चुअल स्टोरी पता चलता है कि यहाँ से वो लड़ाई स्टार्ट हुआ था 99 का। सो भाई इतना अच्छा लगा बुलेट सिंह भाई मिलके, सच्ची में बहुत इच्छा थी। और अभी यहाँ पे अपना मिले, मुंबई में तो नहीं मिल पाए लेकिन देखो मुंबई से 3,500 किलोमीटर दूर आके हम मिले। अभी बैठे वो मतलब देने के लिए, ऑफलाइन नहीं दे रहे, वो अपना काम कर रहे। अच्छा तो हम ही आ गए लद्दाख और मजिस्ट्री ले लद्दाख में जहाँ पे परमिट मिलता है, लेकिन यहाँ पे सभी को वो ऑनलाइन बोल रहे और ऑनलाइन हमसे हो रहा है लेकिन ये बार बार लेट बोल रहा है कि इस टाइम पे नहीं हो पाएगा, ट्राइगन करते रहो, कई बार फेल हो चुका है। शांति स्तूपा। सो हम यहाँ पे पहुँच गए और परमिट का काम हमने एजेंट से करवा लिया जो कि 100 रुपया एक्स्ट्रा लिया। और मैं पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ से पूरा लद्दाख दिखता है भाई, पूरा लद्दाख दिखता है यहाँ से। नहीं नहीं वापस से बोल एक भाई, शांति स्तूप आने के लिए आपको इस तरह के दो मतलब हो गया। तो यहाँ पे आने के लिए आपको वहाँ पर टिकट काउंटर पर टिकट निकालना पड़ेगा, पर पर्सन 30 रुपया है। और यहाँ से देखिए पूरा लेह लद्दाख दिखाई देता है। टिकट दिखा 30 रुपये, मतलब भाई अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते। सबसे ज़्यादा जो खर्चा है वो हमारा ले परमिट के लिए हुआ भाई, 1200 रुपये चले गए। 1200 रुपये में हम 2 दिन यहाँ पे स्टे कर सकते थे हम यहाँ पे रुके। और कैमरा बैग लिया है और ये आ गया शांति स्तूपा का, यहाँ से एंट्री गेट है यहाँ पे। अच्छा ये क्या कुछ तो है, टेम्पल है यहाँ पे। अच्छा मतलब ऐसा लग रहा है कि SV यूट्यूबर नया आ सकता है। अच्छा है, मतलब 10 दिन आप यूट्यूबर के साथ रहोगे तो थोड़ा थोड़ा तो आपको आ ही जाएगा।
सो यहाँ पे हम पहुंच गए शांति स्तूपा में। पहली बार आया और ऊपर बहुत ज्यादा स्पेस है, मतलब यहाँ पे 1500 आदमी तो आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ से सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ से ना नीचे पूरा लद्दाख दिख जाता है यार, वो एक ड्रोन व्यू यहाँ से हमको दिख जाता है, मतलब ड्रोन की जरूरत नहीं है, ऊपर आओ और पूरा लद्दाख यहाँ से देख लो। और ये देखिए शांति स्तूपा कितना शानदार लग रहा है यार, बहुत बढ़िया। ओहो, और वहाँ से खाडुंगला जाने का रास्ता उस तरफ पे, वो जो पहाड़ दिख रहा है सामने वाला उधर से है। घर ढूंढ के दिखाओ, रुक जा। हाँ, सो वो जो दिख रहा है हमने वहाँ पे रूम लिया है और वो बहुत ही शानदार रूम है। और एग्जैक्ट ये देखिए यहाँ पे शांति स्तूपा, स्तूपा ना, शांति स्तूपा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। डोंट नॉट अलाउड। ए भैया क्या बात कर रहे हो यार। एक बात तो समझ नहीं आती, बहुत जगह लोग कैमरा बोलते अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है। भाई पिछले 3-4 साल से ये ब्लॉगर लोगों ने इतने प्लेसेस को एक्सप्लोर किए, इतने लोग घूमने जाते हैं ना इस कैमरे के वजह से ही। ओके, तो कैमरे को बंद मत करो, भले हमसे ज़्यादा लोग इंस्पायर नहीं होते लेकिन कुछ तो इंस्पायर हो के इन जगह पे घूमने आते हैं और उनका घूमने का मन बन जाता है। और नहीं भी घूमते तो घर बैठे बैठे पूरा संसार देख लेते हैं। टाइम हो गया ना कि फोटो सब, हाँ फ़ोन में तो अच्छा आएगा, फ़ोन में अच्छा आएगा, कैमरे में, कैमरे को लाइट चाहिए ना। सब हम ऊपर जाएंगे, फ़ोन का बैटरी भी लो गया यार, पता नहीं कैसे आईफोन का बैटरी नहीं टिक पा रहा है, एकदम जल्दी से उतर जा रहा है। ओके, हाँ नहीं 14 लेंगे। लो आ जाओ ऊपर, ऊपर आने के लिए भाई पैर से शू निकाल देना पड़ेगा। ओके, ये ठंडा है, पत्थर ये हाथ लगा पूरा ठंडा है। वाओ, यहाँ आएगा ऊपर से भी एक व्यू। शांति स्तूपा के एक चक्कर मार लेते और फिर यहाँ से हम चलेंगे नीचे, वापस जाएंगे दूसरे लोकेशन पे। सो ये एक लेह लद्दाख का पेंडिंग था मेरा कि मतलब मैं यहाँ पे घूमा नहीं था, यहाँ पे सीढ़ी से भी चल के आने का रास्ता है, वहाँ से पहले ही दिख जाएगा। तो सीढ़ी से आएंगे तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है सांस वांस लेने के लिए। वाह, यहाँ देखिए क्या कलाकृति बनाया भाई, क्या है ये, एक एक चीज़ें है, एक एक डिटेल दिखाया गया यहाँ पे। देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा कि हाँ वो क्या दर्शा रहा है, वो क्या बता रहा है, कि क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं। हाँ, सो अब यहाँ से चल रहे हैं हम, एक बज चुका है और अभी कंफ्यूज हो गए कि कहाँ जाए, घर पे चले कि बाइक को सर्विसिंग कराए। पास का तो हो गया, परमिट का तो हो गया, हमने कुछ 1200 रुपये दिए हैं परमिट के 3 दिन के, क्योंकि हम पेंगोंग में एक दिन ही रहेंगे और वहाँ से फिर आगे निकलेंगे। और क्या नीचे चलना है, भूख लगी है? नहीं भूख लगी, मुझे भी भूख नहीं लगी है क्योंकि सुबह जो खाया बहुत दबा के खाया। और ये बहुत ही अच्छा जगह है, थोड़ी थोड़ी गर्मी लगती है दिन में लेकिन जैसे आप दौड़ोगे या बाइक पे जाओगे तो थोड़ा ठंडी लगने लगता है। यहाँ हम ऊपर से नीचे आ गए, मतलब शांति स्तूपा से। अब हम एक बाइक सर्विसिंग वाला ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम डिस्क पैड और ऑयल चेंज करा सके, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैन लूप भी टाइट कराना है, तो यहाँ नहीं जा सकते हम। आ गए यहाँ पे गैरेज में, ये गैरेज मुझे बहुत अच्छे से याद था बिकॉज अब सामने रॉयल एनफील्ड का एक शो सामान, मतलब ओपन दुकान है जहाँ से हमने पिछली बार सामान लिया था। ओए अच्छा, ये एक ही गैरेज है इनका, ये तो कुछ सुन ही नहीं रहा है। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा काम हो रहा है बाइक का। ऑयल चेंज हो रहा है। आह, वैसे ऑयल तो अच्छा था यार, लाल दिख रहा है पूरा, लेकिन काला दिख रहा है। नहीं लाल दिख रहा है पागल, रिक्स नहीं ले रहा यार, वापस पाउडर में दिक्कत हो जाता फिर। बड़ा नुकसान हो गया यार, इधर दिख रहे हो डिस्क पैड, ये पूरा घिस गया। साइलेंसर इस साइड से दिखेगा, साइलेंसर पूरा इसको, मतलब साइलेंसर यहाँ तक दब रहा है, इस साइड से दिखा पूरा घिस गया, इस साइड आ जा पूरा घिस गया ये ऊपर। ये देखिए तो यहाँ पे, ये देख
ये बहुत बड़ा नुकसान है। अगर डिस्पैच में कुछ हो गया ना, अपन ब्रेक नहीं मार पाएंगे। देखो भाई खुद कर रहे हैं अपनी बाइक का। हाँ नहीं मतलब ये ऑयल चेंज करना, डिस्पैच चेंज करना, टाइम चेंज करना, ये तो मतलब इतना तो आने चाहिए आदमी को। और मैं तो वैसे 6 महीने ट्रेनिंग ले चुका हूँ गैरेज पे, दोस्त के गैरेज पे। यहाँ क्या मट्टी बहुत है ना, तो उससे थोड़ा तकलीफ हो जाता है, पाना होना बार बार साफ करना पड़ता है। 550 रुपये मतलब 500 रुपीज़ का मुझे ऑयल मिला, वो एक मोटूल के डब्बे से ऑयल निकाल के दिया, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कैस्ट्रोल कहीं था नहीं। तो अगली बार मैं जब आऊँगा तो ऑयल अपने साथ कैरी करूँगा, और अब भी अपना ब्रांड अपने साथ कैरी करे। तो मोटूल के एक बड़े डब्बे में से ऑयल निकाल के दिया, और मैंने खुद ही ऑयल चेंज किया, चेंज पॉकेट टाइट किया। और डिस्पेट इसका है, मुझे लगता है डिस्पेट में मनाली में आराम से चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने डिस्पेट खोल के देखा और एक्स्ट्रा है मेरे पास, और गाड़ी भी यहाँ काम करते करते उस तरफ गिर गई। चल वो पत्थर साइड में कर दे। कैस्ट्रोल का ऑयल है बाइक के लिए 20-50 है कैस्ट्रोल का। कितने में वो? 400 रुपये में। ओके चैन लूप है, मतलब कुछ लोग हैं ना यार जो मदद करते हैं, और कुछ लोग हैं जो जानबूझ के अपना सामान बेचने के लिए मदद नहीं करते। पिछली बार यहाँ से सामान लिया था हमने। कोई है? कोई नहीं है। लो जी तो यहाँ पे शाम को आज हम चल के पैदल जा रहे हैं, और हमारे साथ हमारे होटल के ऑनर, सो इनका पीछे। सो ये भी कहाँ जा रहे हो आप? आप भी मार्केट जा रहे हो? सो इनके साथ हम भी चलते हुए जा रहे हैं। 2-3 हमारे को परमिट लेना है, और लेक थोड़ा सुकून से घूमना है पैदल, क्योंकि गाड़ी में इतना खर्चा मतलब आ चुका है ना यार कि मैं टेंशन में आ चुका हूँ। गाड़ी ना खराब हो चुकी है समझो, ब्रेक कहीं भी उसका फेल हो सकता है। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे ऐसा भी। अभी थोड़ी देर में एक अच्छा सा जैकेट लेंगे पहनेंगे, क्योंकि मेरा जो DK वाला जैकेट है वो काफ़ी पुराना हो गया, और उसमें थोड़ा ब्राइटनेस भी नहीं है। तो यहाँ पे आगे हम, यहाँ पे लिखा है आई लव लेह लद्दाख, जो कि इसका बहुत फेवरेट है। यहाँ भी फोटो निकालेगा उसको, इसको सुकून मिलेगा। थोड़ा धूप और कम होने देना ना, अभी फोन से निकाल लेते, तेरे फोन से निकाल लेते। तो इसे कहते हैं ओम, ओम माने अंकल जो बोल रहे, मैं थोड़ा सुन लिया। और ये अंकल का शॉप यहाँ पे जो है पूरा लद्दाख का जो ट्रेडिशनल है लेह का, पूरा ट्रेडिशनल सामान बेचते हैं यार। वाह ये देखो, ये पहन लेंगे ना तो बिल्कुल ठंडी नहीं लगेगा अपने को, सब कुछ ट्रेडिशनल। हम देखते कुछ और ऐसा, हम फ्लैग ले रहे हमारे एक दो दोस्त के लिए जिन्होंने हमें स्पेशली कहा है कि ये लेके आना है। देखिए यहाँ पे ये अंकल हथियार है ना, मतलब चाकू, इसको क्या बोलते हैं? लाइव चाकू। ओके और भी बहुत कुछ है यार यहाँ पे। वाह ये बहुत जबरदस्त लग रहा है यार, कह सकता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे कुछ अलग दिखा रहा हूँ। देखिए ये बहुत पुराना कैप दिख रहा है यहाँ का हेड जो सर पे पहनते। देखिए पुराने बर्तन, चाय का होगा, गर्म पानी का होगा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या बात है यार, बहुत बहुत, हाँ बहुत एंटिक एंटिक चीजें है यहाँ पे, बहुत एंटिक एंटिक चीजें। क्या है क्या, मत रख दे नीचे, हाँ रख दे, बहुत बहुत पुरानी चीजें है नीचे रख दे वो। और बड़े बड़े फ्लैग भी है यहाँ पे, सो हमने यहाँ पे कुछ ले लिया, बहुत बढ़िया यार। दो ऑप्शन है, ये अच्छा वाला है और एक सस्ता वाला है। ये सस्ता वाला है, काला हल्का है। हल्का ये कितने का है? छोटा नहीं पड़ा है। चल जान रखो अंकल, अच्छा वाला ही लेके जाते हैं आप इतना। हाँ ओके यहाँ ना बहुत पार्किंग का इश्यू है भाई, एकदम कट्टू कट भी लेह लद्दाख में से कुछ हो गया, एकदम सिस्टमेटिक आना है, सिस्टमेटिक जाना है, किसी को परेशान नहीं करना है। इस बार अच्छा चीज मिल रहा है, आप दीजिए ना। तो ये मैं पैनियर्स पे पीछे लगाऊंगा, वहाँ पे आंटी जी कम कर दीजिए पैसा बस। और भी संदीप ने 2-3 चीज लिया वहाँ पे, मुझे खाली ये पसंद आया स्टिकर जो मेरी बाइक पे जाएगा। ओहो 3 लिया वहाँ पे लिया भाई, बार्गेनिंग कर ले, कर लो बार्गेनिंग, तो ही मिलेगा यहाँ पे। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपनी कार में बाइक पे लगा सकते हो। यहाँ का एक ये मार्केट है जो एग्जैक्ट रोड साइड के बाजू में, और यहाँ पे ये सब सारे सामान मिलते हैं, ठंडी से रिलेटेड सारे सामान A to Z। ये देखिए ये ड्राई फ्रूट,
हम अभी एक फोटो शूट करने जा रहे हैं लद्दाख एंट्री गेट के सामने, क्योंकि आज हमारा यहाँ पे लास्ट डे, कल हम यहाँ से निकल जाएंगे पैंगोंग की ओर निकलेंगे। ए, उससे अपने को परमिट लेना है। हमने परमिट हमने दूसरे से बनाया जो बाहर बैठते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ हम कर रहे थे तो पेमेंट के टाइम पे अटक जा रहा था, और बार बार पेमेंट के टाइम पे अटक रहा था, वो हमसे नहीं हो रहा था, तो हमने वो एजेंसी करवाया, उसने 90 रुपया एक्स्ट्रा लिया। 7 बार 7 वचन Public not to keep in view the sensor of the deceased place and even the people of the heart. मना है तो बिल्कुल नहीं पीना, स्मोक भी नहीं करना चाहिए यहाँ पे। ये रहा लद्दाख एंट्री गेट, और यहाँ से हम कल जाएंगे पैंगोंग। पैंगोंग यहाँ से कितना दूर है? बस 150 किलोमीटर। पैंगोंग का नाम नहीं है वो देखना। अरे पैनीगिल, हाँ रे पैंगोंग का तो नाम ही नहीं है रे। एक सबसे मेन चीज मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूँ, हम जहाँ पे रहते, मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था कि यहाँ पे हम जहाँ पे इस रोड से जाते हैं तो इस रोड में बहुत सारे बाइक रेंटर आते हैं, जो कि बाइक रेंट पे देते हैं सिर्फ ओनली बुलेट एंड हिमालयन। हिमालयन का जो रेट है यहाँ पे चल रहा है 28, 25, 23, 22, और जो क्लासिक का है वो है 1500, 1400, 1800 वन डे, वहाँ वन डे का है। सो ये वो सब है, आप स्क्रीन शॉट ले लो। आईडी में और यस ड्राइविंग लाइसेंस तो, अबे यार बिना लाइसेंस के थोड़ी गाड़ी देगा यार। इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। बाइक के लिए भाई लाइसेंस भी लगेगा और तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स भी लगेगा, पता नहीं ये दोनों पर लाइसेंस तो लगेगा ही। सो हम इस वक्त हैं मनाली में, और इसके बाद आप पैंगोंग वाले ब्लॉग देखोगे और भी पैंगोंग से मनाली वाला ब्लॉग। सो मिलते जल्दी दूसरे ब्लॉग में। ब्लॉग थोड़ा आगे पीछे है लेकिन इस बार हमने ब्लॉग बहुत अच्छे शूट किए, देखो। और लेह लद्दाख भी बहुत पहले आए हम, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।